या जंजीर। अरे जी जी, यहाँ हम गणेश जी से अपने परिवार की खुशियां मांग रहे हैं और ये लड़का ये तो गहना नामक मुसीबत का घर ही उठा लेके आ गया। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं आपको सब समझा सकता हूँ। समझाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ सुनने की जरूरत है, ना ही कुछ सुनाने की जरूरत है। मैं जानती हूँ ये सब इसी लड़की का किया धरा होगा और इसके रोज रोज के तमाशे को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं इसे जान नहीं मार दूंगा। आयुष्मान सही कह रहा है, इसकी बात सुनो, रुको, क्या सुनूं मैं, ये कोई ना कोई नाटक करके घर में वापस चली आती है, लेकिन इसके सारे नाटकों में खत्म कर दूंगी, इसकी जान लेकर। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पागलपन, छोड़ो, छोड़ इसे, बेहोश पड़ी है वो यहाँ पे। इसमें गहना की कोई गलती नहीं, मैं उसे यहाँ उसके इलाज के लिए लेकर आया हूँ। गांव में इसके कान में कान खजूरा घुस गया था, वो बेहोश हो गई थी और उसका इलाज गांव में नहीं हो सकता, इसलिए उसे यहाँ लाना पड़ा। निशान, तो ये है तुम्हारी भाई की मरीज, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर लेट हो गए हो। बात थी मेडिकल इमरजेंसी, अगर उसे यहाँ नहीं लेकर आता तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता और अभी भी फैल सकता है। अगर दवाई का असर खत्म होने से पहले उसे किसी ईयर स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया, मर सकती है वो। मरती है तो मर जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और अपने पेशेंट को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने पेशेंट को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही किया है तूने। क्या सही किया है? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों बार बार उसकी तरफदारी करती रहती हो? उसकी हर गलत बात पे तुमने उसका साथ दिया, तभी बात यहां तक पहुंची है। अरे दुनिया में अकेला यही डॉक्टर है क्या? और ऊपर से यहां ले आया। जी, अब आप ही बताइए इस लड़की का क्या करना है। का है ये? का वादा किया था तुमने हमसे? बुआ जी, आप आगे जाइए, भाई को लेके आता हूँ। ये है तुम्हारा वादा? भाई को लाए और साथ में गहना को भी उठा लाए? बोलो, बताओ। बुआ जी, बस बोलो मत, सुनो। बहुत हुई तुम्हारी इंसानियत और बहुत हुआ तुम्हारी डॉक्टरी का फर्ज, बहुत कर चुके हम। अरे एक हद पे आके तो भगवान भी धीरज छोड़ देते हैं, हम तो फिर भी इंसान है। कितना सुना तुम्हारे लिए और कितना करा बताओ। हाँ, वो पागल भोला के गांव में जाके पूरे परिवार को लेकर नाटक कराया ही लड़की ने, इस आलिया पे इल्जाम लगाया, पंचायत के सामने खड़ा किया है हमें, बेइज्जती की है हमारी, फिर भी हम चुप रहे। लेकिन आज
आज बस आयुष, आज तुमने हमारा मान तोड़ दिया। हमारी जुबान के खिलाफ ये गहना को उठा के लेके आए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं इसलिए। लेकिन बस अब नहीं, आज आखिरी बार तुम्हें और तुम्हारी डॉक्टरी को आखिरी मौका दे रहे हैं। अपनी डॉक्टरी का फर्ज निभा लो, करो इसका इलाज, और जहां से ये कूड़ा लेके आए हो ना, वहीं जाके फेंक देना, समझे? इनके कान से कन खजूरा निकाल दिया मैंने, अब घबराने की कोई बात नहीं। और कुछ प्रॉब्लम रही तुम मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू डॉक्टर शम। यू वेलकम। थैंक गॉड तुम ठीक हो, कोई खतरा नहीं है। कान का जूरा तुम्हारे कान में चला गया और तुम्हें पता नहीं चला, ध्यान नहीं रख सकती तुम। और आपको अमृत इतनी चिंता काय हो रही है? क्या हो गया, इधर उधर काय देख रहे? बोलते बोलते थकती नहीं हो क्या तुम? बेहोश हो तो ये नहीं कि थोड़ा आराम दो अपनी जुबान को। बेहोश हो तो भूत बनकर खड़ी हो गई हो मेरे सामने, मुझसे बात कर रही है, और फिक्र तो होगी ना तुम्हारी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कितनी बार समझाना पड़ेगा मुझे कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और कुछ नहीं, समझी तुम? समझ गए। समझना तो गहना को पड़ेगा, और मैं इसे समझा कर रहूंगी। जो सारे नाटक कर रही है वो इस घर में वापस आने के लिए, उसे मैं सबके सामने वापस ला कर रहूंगी। जानता हूँ मेरी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ी हैं तुम्हें मेरे घर वालों की, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कहना, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि मेरी और आलिया की शादी होने वाली है। मैं हमारी शादी को नहीं अपना सकता। आयुष्मान, जो तुम समझ रही हो मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। इस लड़की का फिर से कोई नया नाटक होगा इस घर में घुसने के लिए, लेकिन इसका झूठा चेहरा मैं सबके सामने लाकर नहीं रहूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है आलिया। नहीं आयुष्मान, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम भोले हो, लेकिन इस लड़की को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसे तो मैं ठीक करके ही रहूंगी। I'm gonna go.
स्मार्ट स्मार्ट। क्या कर रहे हो तुम, हटाओ उसे। आराम से टूट जाएगा मेरा मंगलसूत्र, छोड़िए हम करते हैं। हालिया रुको, मंगलसूत्र नहीं टूटना चाहिए, छोड़ो तुम। मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। मैं आलिया क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। ये गई ना लड़की है या हमारा बुरा समय, जब तक वापस आ जाता है। चकोरी अब कह रही है लड़की बहुत चंट है, घर में घुसने के लिए कोई भी हाथ पार कर सकती है। ताला और यहाँ यहाँ क्या कर रही हो तुम, बाहर जाके देखो वहाँ ज्यादा काम। कमला के भरोसे रहना, सारा गुड़ गोबर कर देगी। हाँ हाँ हम कर लेंगे। ओ तो ये देवर जी और जीजी ने लगवाया होगा, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। पहले वो बोरी को रखने को लेकर शक कर रहे थे, और जब बोरी खोल के हम देख रहे थे तो ऐसे भगा दिया जैसे उनकी कोई चोरी पकड़े जाने वाली थी। मतलब कोई कीमती चीज या कोई राज उन बोरियों में है, और इसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब। डॉक्टर बाबू आप यहाँ? शुक्र है तुमने आंखें तो खोली, और सच कहूं तो मेरी आंखें भी खुल गई हैं। आज मुझे अपनी जिम्मेदारी में ने प्यार का एहसास हुआ। हाँ क्या ना, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
डॉक्टर बाबू का कमरा है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी, इंजेक्शन का असर कभी भी खत्म हो सकता है, इससे पहले कि उसे फिर से होश आए मुझे उससे इंजेक्शन देना होगा। अरे चकोरी, क्या हुआ? पगला गई हो क्या? भूत है। क्या हो गया? भूत देखा? हाँ, भूत देखा मैंने। भूत? हाँ, स्टोरों में ना वो बोरी के अंदर भूत है, हम बता रहे हैं, हमने अपने आंखों से देखा। क्या बोल रही हो? चलो चलो देखते हैं, चलो चलो। हम आपको दिखाते हैं चकोरी। अरे कान इतना जोर से काहे दुख रहा है? कहीं डॉक्टर बाबू ने हमारा कान तो नहीं खींचा जोर से? पर वो काहे खींचेंगे? पर हम तो गांव में थे, डॉक्टर बाबू हमें कछु बताने वाले थे पर हम वो बात सुन नहीं पाए। पर मैं फिर भी खुद बताना चाहता हूँ तुम्हें। मतलब अब हम ये आए उनके घर में, कहीं डॉक्टर बाबू हमें ये लेकर तो नहीं आए? हम सही सोच रहे थे, माही सही कह रही थी कि आदमियों की जिम्मेदारी में ही उनका प्यार होता है। मतलब डॉक्टर बाबू हमारे रिश्ते को मानने लगे, पर डॉक्टर बाबू है कहाँ? हमें अभी उनसे बात करनी है, हम अभी उनसे बात करके आते हैं। अरे इतने दबे पाँव कहाँ जा रहे? जी जी धीरे बोलिए, भूत को पता चल जाएगा। ओ? आपको बता रहे हैं। कुछ है वहाँ पे, मैं देखता हूँ। मैं देख लूंगा, आप परेशान मत होइए। अरे विक्रम, चूहा उहा होगा। हाँ चूहा हो सकता है। चूहा वूहा होगा तो खोल के देख लेते हैं ना। और सांप हुआ तो? अगर सांप हुआ बोरी में और काट उठ लिया तो भूत से पहले भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। करने दर्शन? नहीं दर्शन नहीं करने, नहीं करने। लेकिन हम कह रहे हैं उसमें जरूर कुछ है। अब आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं देखता हूँ, रुको मैं देखता हूँ। अरे देखता हूँ ना मैं, चूहा ही है, चूहा चूहा। कैसे पता चला? अरे बदबू आ रही है, बदबू। मैं फिंकवा दूंगा इस बोरी को। हाँ हाँ चलिए आप चलो। चल चूहा है। हम कह रहे हैं इस घर पे भूत है, हमको ना डरा। अरे हमारी अम्मा, हम ओझा बाबा को बुला के झाड़ फूक करवा लेंगे खुश। चल चलो राघव, चलो चलो चलो। हुआ क्या है तुम्हें आलिया? इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आयुष्मान। और क्यों ना हो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब भी मैं तुम्हें उस लड़की के साथ देखती हूँ। जब देखो तब तुम उसकी ढाल बन जाते हो, का साथ देते हो, उसे बचाने लगते हो। मेरा दिमाग खराब नहीं होगा क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए एंजाइटी को दूर करने के लिए ना मुझे दवाइयां खानी पड़ती है। उस लड़की को ना एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी जिंदगी में। ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा आलिया, वजह चाहे जो भी हो तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। ये मेरे बस में नहीं है आयुष्मान, तुम किसी के पास जाओ, कोई और तुम्हारे पास आए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आयुष्मान। आई रियली रियली लव यू आयुष्मान। डॉक्टर बाबू,
तुम फिर आ गई? क्यों बार बार मेरे और मेरे होने वाले पति के बीच में आ जाती हो? हाँ नो, एक तो मैंने कहना को पहले ही हमारा सच बता दिया है और अब उसने आलिया के मुंह से भी सुन लिया है, क्या बीतेगी इस पे? मेरे होने वाले पति का पीछा क्यों नहीं छोड़ती आके तुम बोलो?